दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे डॉग के मैनेजमेंट को लेकर के दे रहा हूं कि आप हेयर की कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं, कैसे उनकी साइनिंग अच्छी रख सकते हैं बगैर खर्च के। भाई खर्च भी तो कम करना है। अगर हम खर्च की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन आती है, कोई पार ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीली मेडिसिन आपको मार्केट में तरह तरह की मिल जाएगी। लेकिन अगर हम घरेलू चीज़ों से हमारे डॉग की स्किन को अच्छा रख सकें, उनके हेयर्स को अच्छा रख सकें और उनकी जो चमक है वो बना सकें, तो भाई बात ही कुछ और रहेगी। और यही उद्देश्य हमारा आज के इस वीडियो का है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको मिलती है प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज। इसी के तहत आज मैं स्किन कॉट हेयर्स को कैसे सुरक्षित रखा जाता है फ्री के तरीके बताने वाला हूं। अगर नंबर वन काम हम करें तो वो यह है कि भाई आप अगर डॉग के हेयर्स को अच्छा शाइनिंग रखना चाहते हैं, कॉट को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको पहले तो बाथिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा। जो नहलाना आप कर रहे हैं उसको सही करना पड़ेगा। ये सही क्या है? अगर आप अपने डॉग को नहलाना चाहते हैं तो देखिए, डॉग की जो स्किन है हमारी तरह नहीं है, इसीलिए आपको उसके स्किन को समझना पड़ेगा। नहलाना आपको या तो गर्मियों का अगर मौसम है तो आप सप्ताह में एक बार नहला दीजिए, और अगर सर्दी का मौसम है तो महीने में एक बार नहला दीजिए। बाकी आप प्रयास यही कीजिए कि वो गंदा ही ना हो। ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है कि वो गंदा ही ना हो, और गंदा हो गया तो बगैर बाथिंग के आप जैसे तैसे उसको ड्राई बाथ दीजिए ताकि वो इजीली अपने हेयर्स को अच्छा रख पाए। ये जरूरी है। नंबर टू बात जो आती है वो ये है कि आप उसे गीलेपन से दूर रखिए। आप अक्सर देखते हैं कि जहाँ गीलापन होता है वहाँ डॉग बार बार बैठ जाते हैं, तो ये थोड़ा मैनेजमेंट कीजिए। अगर गीलेपन अगर बार बार रहेगा तो कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसको भी आप फॉलो कीजिए कि गीले में उसे ना बैठने दीजिए। ये भी बहुत अच्छा रहेगा हेयर ग्रोथ के लिए, साइनिंग के लिए। नंबर थ्री पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है फ्रेंड कि आप उसकी स्किन की अच्छे तरीके से ग्रूमिंग कीजिए, कॉम कीजिए, ब्रशिंग कीजिए। ये ब्रशिंग कॉमिंग ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, और हेयर ग्रोथ में बिल्कुल फ्री का तरीका है ये। हेयर ग्रोथ कराने का और हेयर की साइनिंग को अच्छा बनाने का फ्री का तरीका है, और वो है ग्रूमिंग कीजिए, कॉम्बिंग कीजिए, ब्रशिंग कीजिए। ये बहुत ही अच्छी रहती है डॉग के लिए। अगर हेयर फॉल भी थोड़ा बहुत हो रहा है, हेयर शेडिंग भी हो सकती है जो कि साल में दो बार होती है, तो आप उसे एक अलग जगह ले जा करके अच्छे तरीके से ब्रश कर दीजिए, कॉम कर दीजिए, ताकि वो हेयर्स एक जगह गिर जाए। क्योंकि जो टूटे हुए हेयर्स हैं वो अगर स्किन के ऊपर रहेंगे तो स्किन को ख़राब करेंगे, साथ में भद्दापन दिखाएंगे, और जो अच्छे हेयर है उनको, उनकी चमक को भी वो छुपा देंगे। तो उनको आप हटवा दीजिए। दिन में एक बार आप ये ब्रशिंग जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगला तरीका घरेलू क्या है, वो तरीका है फ्रेंड नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल सभी घरों में रहता है। वर्जिन ले आइए आप, और वर्जिन नारियल के तेल को आप खिला भी सकते हैं, यानी 2 से 4-5 ml तक आप अपने डॉग को खिलाते भी रहिए, और साथ में उसको हेयर्स पर लगाते भी रहिए। जब भी आप स्नान करवाते हैं उससे पहले भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा नारियल का तेल लिया और अच्छी तरीके से उसके शरीर के ऊपर आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, जैसा हम यूज़ करते हैं ना उससे भी कम आप लगा सकते हैं, तो उससे भी शाइनिंग बढ़ जाएगी, हेयर जो है वो अच्छे रहेंगे। इसके अलावा एक विशेष तरीका जो अगर फ्री की ही बात कर रहे हैं तो वो है फ्रेंड नीम। जब भी उसे स्नान करवाया जाए, हालांकि आजकल बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं, एंटीटिक शैम्पू आते हैं, नॉर्मल शैम्पू आते हैं, तो जब भी आप स्नान करवा रहे हैं शैम्पू में भी एक विशेष ध्यान दीजिए। कभी एंटीटिक शैम्पू से, कभी मेडिकेटेड से, तो कभी नॉर्मल शैम्पू से आप ऐसे स्नान करवाते रहिए। लेकिन अगर ये कुछ भी ना करें, खर्चा नील करें, तो नीम के पानी से स्नान करवाइए। भाई गजब का है। आप पानी को बॉयल कीजिए, उसी दौरान नीम की पत्तियों को तोड़ करके उसमें डाल दीजिए, और उस पानी को जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद उस पानी से अपने डॉग को बात दीजिए, स्नान करवाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्नान करवाते हैं जब भी तो ध्यान दीजिए कि तुरंत उसको सुखाइए। सुखाने के लिए किसी भी प्रकार के ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए, सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल कीजिए, और तुरंत उसको दबा दबा करके सुखाइए। रगड़ना नहीं है, दबा दबा करके उसको तुरंत ड्राई कर दीजिए उसकी बॉडी को। ये बहुत ही शानदार तरीके हैं फ्री में हेयर ग्रोथ और हेयर शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए।